किशन भाई नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समीम फिल्म हिंदी रचना। किशन भाई, अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो नीचे सब्सक्राइब की लाल बटन दिख रही है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर नई नई जानकारियाँ मिलती रहती है। मैं जैसे HP84 जी या और भी किसान से मिलता रहता हूँ और उनसे एक एक कोई ना कोई फसल की जानकारी आप तक पहुँचाता रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो डालूँगा सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आपको जानकारी मिल जाएगी। किसान भाई, आप लोग बने रहिए, आज मैं आपको बताऊंगा गेहूं की उन्नत खेती कैसे की जाती है, गेहूं की वैरायटीज, खाद और खरपतवार नष्ट करने की दवा और उसकी देखभाल, पूरी जानकारी आपको गेहूं के बारे में मिलेगी। तो आप बने रहिए और मिलते हैं HP84 जी से और वो बताएंगे कि गेहूं की उन्नत खेती कैसे की जाती है। किसान भाई नमस्कार, मैं HP84 बोल रहा हूँ, थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ गेहूँ के बारे में। ठीक, 84 जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। तो आज आप हमें और किसान भाइयों को गेहूं के बारे में बताएं। जी, गेहूं के बारे में जो भी जानकारी है वो पूरा बताएंगे किसान भाइयों को, क्योंकि खेती करने में उनको आसान हो जाता है। अच्छा, जैसे कि अभी हम कुछ नहीं किए हैं, हमारा खेत खाली है जी, और हमें गेहूं बोना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको, चाहे वो परती हो, परती पड़ा हो या धान लगा हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, धान लगा हो तो उसको काट के आप पानी भरवा दीजिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन नहीं, पहले दो बाँ उसको जतवा दीजिए, दो बाँ कल्टीवेटर। अच्छा, से धान का, अगर धान की अगर खेती है, अगर वो कटा है, खेत को काट के हम धान निकाल लिए हैं, खेत खाली है, तो पहले उसको दो बाँ कल्टीवेटर से जुताई करा दें। हाँ, गहरी जुताई आप करवा दीजिए। अच्छा, दो बाँ जतवा दीजिए, उसके बाद में अगर आपका परती खेत हो तब भी उसको भी जोतवा दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ उसको जोतवा दीजिए, जब बारिश आती है कांगला, बारिश में जोतवा दीजिए, भरना ना पड़े तो उसको जोतवा दीजिए, उसके बाद में उसको भर दीजिए खेत आप। तो मतलब अगर आपका बोया खेत है या खाली खेत है, फिर आप दो बार उसको कल्टीवेटर से गहरी जुताई करवा दीजिए। हाँ, गहरी जुताई उसको छोड़ दीजिए। हाँ, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद में पानी भरा देना। नहीं, थोड़ा सूख जाए मिट्टी, थोड़ा सूख जाए। अच्छा, धूप से वो थोड़ा सूख जाती है। हाँ, तब उसमें ज्यादा एनर्जी आ जाती है। अच्छा, मिट्टी सूख जाए। हाँ, मिट्टी हवा लग जाए। हाँ, धूप लग जाए। हाँ, चार पाँच दिन, एक हफ्ता सूख जानी चाहिए। अच्छा, अच्छा। उसके बाद में उसको भरवा दीजिए। ठीक ठीक, भरवाने के बाद उसमें जब जोतनी अच्छी हो जाए, पक जाए जोतनी, तो उसको कहा मतलब फिर कल्टीवेटर से एक बाँ जोतवा दीजिए या दो बाँ जोतवा दीजिए। अच्छा, जब जोतनी हो जाए तो कल्टीवेटर से एक या दो बाँ उसको जोतवा दें। हाँ, जोतवा दीजिए। उसके बाद में फिर गेहूं का बुआई करवा दीजिए। अच्छा, गेहूं की बुआई करा दें। हाँ, उसी जोतनी पे। हाँ, उसमें मान लीजिए कि अधिकतर लोग तो कांदलब एक बीघे में, कच्चे बीघे में कांदलब 12 किलो बोते हैं बीघे में। अच्छा, 12 किलो कच्चा है, एक बीघे में 12 किलो बोते हैं। हाँ, 12 किलो बोते हैं। अच्छा, कुछ लोग 12 बोते हैं, कुछ 14 बोते हैं। अच्छा, कुछ 12 कुछ 14। हाँ, ऐसे बोते हैं कांदलब। अच्छा, अच्छा, लेकिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। 12 किलो से कम नहीं होता। हाँ, 12 किलोग्राम एक बीघे कच्चे में। और अच्छा, उसमें एक बीघे में 10 किलो DAP होनी चाहिए, 5 किलो दहा पोटास होना चाहिए। अच्छा, 5 किलो यूरिया होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, बुआई करते समय। अच्छा, ये बुआई के टाइम ये खाद की मात्रा। हाँ, खाद की मात्रा 10 किलो DAP, 5 किलो पोटास और 5 किलो यूरिया। तो अच्छा, खाद डाल के खेत में उसके बाद बीज हम डाल देंगे। हाँ, डाल दें बुआई करा। हाँ, फिर उसके बाद में कांदला बदा रोटावेटर से जोतवा दिए, कल्टीवेटर से जोतवा दिए, जैसी मतलब वो ढक जाए बीज। हाँ, बीज और खाद मिट्टी में ढक जाए। हाँ, ढक जाए ठीक से। अच्छा, पाटा लगवा दें। हाँ, पाटा लगवा दिया जाए। ठीक। अच्छा, 84 जी, HP84 जी, हमें जैसे गेहूँ बोना था, अब कैसे बुआई करना है तो आप बता दिए। हाँ, बता दिए, लेकिन अब हमको ये चुनना रहेगा कि कौन सा गेहूँ बोएं जो हमको ज़्यादा फायदा दे, ज़्यादा पैदावार हो और खाने में अच्छा हो, जैसे कुछ वैरायटीज बताइए किसमें। जी, जी, जैसे मान लीजिए आप लाल वाली का बोना चाहते हैं। हाँ, हाँ। तो PBW 154 बो दीजिए। PBW 154 लाल वाली की, ये बहुत पुरान वैरायटी है। अच्छा अच्छा, और ये सक्सेस भी है हर मिट्टी में। अच्छा, कोई हाँ, भी मिट्टी हो। हाँ, किसी भी किस्म की मिट्टी हो तो हाँ, ये सब में सक्सेस है। जाए। अच्छा, और सफेद वाली में आप अगर बोना चाहते हैं। हाँ, तो PBW 343। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी रहा कांगलब। अच्छा, ये सफेद वाली का। हाँ, सफेद वाली का है और ये भी अच्छा गेहूँ, पैदावारी भी अच्छी है, खाने में भी। हाँ, खाने में अच्छी रोटी होती है, इसका टेस्टी है। हाँ, और वो वैरायटी और है, एक नई आ गई है कांगलब 2 साल पहले से। अच्छा, वो कौन सी? 2967 है। 2967। हाँ, वो रहा PBW 343 से ज़्यादा उसमें पैदावारी भी है, चाहे जहाँ भी, चाहे जिस मिट्टी हो
अच्छा पैदावारी है और कांगला भी ये अच्छी वैरायटी है। और हाँ तो PBW 550 है एक। अच्छा PBW 550 है और PBW 502 है और PBW 545 भी है। ठीक अच्छा ठीक हाँ तो यही सब वैरायटियाँ हैं जो किसान भाई बोना चाहते हैं। अच्छा पैदावारी है और फिर उसके बाद में 21 दिन बोने पे किसान भाई 21 दिन से आप वहाँ का मतलब 26 दिन तक मेन अच्छी सिंचाई होती है। अच्छा जब बुआई हो जाए उसके 21 दिन से 26 दिन के बीच में हाँ बहुत अच्छी सिंचाई होती है। अच्छा। और कुछ आदमी अगर थोड़ा सा लेट कर जाते हैं तो एक महीना के अंदर अंदर उसको सींच देना चाहिए। अच्छा बहुत अगर लेट हो गए किसी कारण हाँ तो एक महीने के अंदर हमको सिंचाई कर ही देना है। करनी नहीं तो नॉर्मली जो सामान्य है वो 21 से 26 दिन के अंदर में सिंचाई कर देना चाहिए गेहूँ के। अच्छा मेन इसका तो सिंचाई किसान भाई कैसे करें, मतलब कि उसको ज़्यादा पानी चाहिए कि कम पानी चाहिए? इसका मेन ये समय है बोने का समय बता देना, बोने का समय बता दें कि कांगला कौन सा बेस्ट समय रहता है बोने का। अच्छा हाँ बोने का समय ये होता है किसान भाइयों कि ये कांगला 5 नवंबर से 15 दिसंबर तक बहुत सही बोने का समय रहता है। हाँ इसके बीच में चाहे जब आप बो सकते हैं 5 नवंबर से और 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक हाँ उसको का मतलब बुआई ज़रूर करवा दें। ठीक ठीक क्योंकि लेट करने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। ठीक ठीक तो पानी के बारे में जो बता रहे थे चौरसिया जी हाँ तो जैसे कि पहली सिंचाई हमको अब बताएं 21 से 26 दिन के अंदर में जी, जी, अगर जी। कोई लेट हो गया तो मैक्सिमम एक महीने के अंदर में कर देना चाहिए। हाँ, हाँ, एक महीने तो पानी कितना देना चाहिए, हल्का पानी देना चाहिए कि नहीं? तो ये पानी देखिए छोटा छोटा सिक्का बनाइए। अच्छा अच्छा छोटा छोटा उसको कांगला सिक्का बना लीजिए। पानी पहला पानी जो होता है इसको खाली बस दौड़ जाए बस भरने अच्छा, ना पाए। हल्का पानी मतलब पूरे खेत में एक बार उसकी जड़ भीग जाए पानी से। हाँ पूरा दौड़ जाए पानी का भराव ना होने पाए, नहीं भरने ना पाए क्योंकि ये मतलब पहला पानी थोड़ा अगर ज्यादा हो जाने पर वो थोड़ा डैमेज कर देता है। ठीक 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 मतलब नुकसान करने लगता है। हाँ नुकसान कर देता है जैसे पीलापन आता है। हाँ वो मान लीजिए कि आपका गेहूँ एक हफ्ते के लिए जाना वो पिछड़ गया। हाँ ये होता है तो पहला पानी उसको कांगला दब जाता है। हाँ हाँ बस हल्का सा दौड़ना चाहिए बस दौड़। अच्छा सिंचाई के बाद फिर क्या करना चाहिए? सिंचाई के बाद आप उसमें जब कांगला पैर न घुसने लगे यानी कि थोड़ा थोड़ा खेत में घुसने लायक हो जाए तो उसमें कांगला जैसे आपके खेत में खरपतवार नाशक हैं जैसे घुड़गुजे हो गई, बंदर गुल्ला हो गया और ये सब अंकरी उंकरी हो गई जो भी खर हैं, बथुई आजकल बहुत होती है। बथुआ हाँ बथुआ ये तो बथुई जो देसी होती है खाने वाली लेकिन एक ये बाहरी वाली है ये बहुत खरपतवार में है बथुआ तो वो बहुत गंधाती है। अच्छा। उसको ना जानवर खाते हैं ना आदमी खाएगा तो ये तो बहुत अधिक मात्रा में इस समय हर आदमी के व्यक्त यानी हर व्यक्ति के खेत में ज़्यादा ये जम जाती है। ठीक तो इसमें आपको धाव कांगला सिंचाई के बाद में धाव खाद डालने के पहले खाद डालने के पहले आप उसमें दवा डलवा दीजिए। अच्छा मतलब जब सिंचाई हो गई खेत में घुसने लायक हो गया तो जो भी खरपतवार है हाँ उसको पहले हम साफ करें उसके लिए दवा डालें। हाँ, 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 फिर हम खाद डालेंगे। हाँ तब उसमें दवा डलवा दीजिए। अच्छा दवा हम कौन सी डलवाएंगे? जैसे हमारे खेत में खरपतवार हल्का है और या ज़्यादा है तो मान लीजिए दवा तो बहुत हैं लेकिन अब जो दवा अधिकतर चल रही है मार्केट में और अच्छी है तो साधारण अगर बथुआ थुआ हो तो इसमें 240 डलवा दीजिए। अच्छा सामान्य खर है बथुआ वगैरह हल्के खर जो अभी हैं उसके लिए 240 हाँ 240 उसको चाहे आप पाउडर रहता है चाहे उसको यूरिया में मिक्स करके डाल दें और नहीं तो छिड़काव करने से ज्यादा सही रहता है। पानी का घोल बना के मशीन से छिड़काव कर सकते हैं और यूरिया में भी डाल सकते हैं। यूरिया में भी मिक्स करके हाँ लेकिन इससे बस वही हल्का खर जाएगा बथुई। अच्छा हल्के खर के लिए है। हल्के खर के लिए अगर सब खर है आपके खेत में तो सबसे बेस्ट दवा चल रही है इस समय एटलांटिस। अच्छा जैसे आपके खेत में ज्यादा खर है चौड़ी पत्ते के खर हैं या मोटे मोटे खर हैं तो उसके लिए एटलांटिस दवा है। एटलांटिस दवा है हाँ, ये क्या होता है? वो नंबर एक की दवा है। अच्छा और उसको का मतलब
बीज भंडार से ले आइए और जितना डालना हो, एक बीघा दो बीघा एक एकड़ हेक्टेयर जो भी डालना हो आप ले आइए, उसको डलवा दीजिए, नंबर एक की दवा है। अच्छा, तो ये इसका भी छिड़काव किया जाता है कि ये? नहीं नहीं छिड़काव ये अच्छा। ये कांगला यूरिया वूरिया में मिक्स होके नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसका खाली छिड़काव होगा, इसका छिड़काव होता हाँ, है। हाँ, जितने किसान भाई ये दवा का नाम याद रखिए और इसे आप आपके खेत में अगर मोटे खर हैं तो बीज भंडार से ये दवा ले आइए एटलांटिस और इसका घोल बना के खेत में छिड़काव करिए। एक बीघे में हम कितना डालेंगे? एक बीघे में मान लीजिए जैसे अपने यहाँ का कच्चा एक बीघा है, कच्चा एक बीघा, अब ये होता है कि इसका आधा लीटर का वो होता है पैकेट होता है, तो आधा फुटकर आप मांगेंगे तो उसी से नाप के वो दे देंगे। अच्छा, मतलब वो बीज भंडार वाले आपको, तो आप कितना डालते हैं एक बीघे में? एक एकड़ में उसको ले आते हैं, ठीक है, पैकेट। हाँ, एक एकड़ में वो छिड़काव करवा देते। अच्छा, वो जो पैकेट होता है वो एक एकड़ के लिए रहता है। हाँ, और उसके बाद में आप फुटकर भी मांगेंगे एक बीघा दस बीघे के लिए डेढ़ बीघे के लिए तो बीज भंडार वाले दे देंगे। ठीक ठीक ना, तो मतलब वो जो पैकेट आता है किसान भाई वो एक एकड़ के लिए आता है। अगर आपको एक एकड़ में डालना है तो पूरा पैकेट का घोल बना के आप डाल सकते हैं, और अगर थोड़ा खेत है तो आप बीज भंडार से राय सलाह लेके आपको कितना बताता है उन हिसाब से आप डाल सकते हैं। कोई भी बीज भंडार वाला अगर कोई भी दवा कहे ये वाली ले जाओ वो वाली ले जाओ, तो किसान भाइयों हमारा विश्वास है और हमने कई बार और लोग को बताया है, डाला भी है, तो इससे अच्छी दवा। अपने खेतों में कौन सी दवा डालते हैं? वही एटलांटिस ही डालते हैं। हाँ, एटलांटिस डालते हैं। अभी इसमें छिड़काव कर दिए हैं ना एटलांटिस का? हाँ, इसमें कर दिए हैं, इसमें एक खर नहीं है। अच्छा ठीक। अच्छा, फिर ये जैसे हम दवा डाल दिए, हाँ दवा डाल दिए हो तो उसके बाद में 4 से 5 दिन के बाद में आप यूरिया डाल दें। यूरिया डाल दें तो भाव जैसे एक बीघे में कितना डालेंगे यूरिया? एक बीघे में का मतलब 12 से 15 किलो यूरिया, 12 से 15 किलो एक बीघे में यूरिया। दवा डालने के 5-6 दिन बाद 1 किलो जिंक और 1 किलो सल्फर। ठीक, 1 किलो जिंक 1 किलो सल्फर और एक बीघे में 12 से 15 किलो और 12 से 15 किलो यूरिया तीनों मिक्स करके हम खेत में छिड़काव कर दीजिए। ठीक, उसके बाद? उसके बाद में फिर ये मान लीजिए कि जैसा मौसम रहेगा 20 दिन बाद 25 दिन बाद हाँ 1 महीने के बाद, उसके बाद में जब मिट्टी सूख जाए, सफेद होने लगे, टाइट होने लगे, नमी जाने लगे, तो नमी जाने लगे फिर उसको सिंचाई करवा दीजिए। जैसे खेत की नमी जाने लगे, आपको देखे कि खेत में सूखापन आ रहा है, मिट्टी सफ़ेद हो रही है, तो आप वापस सिंचाई करा दीजिए। हाँ, सिंचाई करवा दें, उसके बाद में फिर मतलब जैसा कंडीशन आपका खेत का बताता हो वैसा, मतलब वैसा अगर फिर उसको ज़रूरत है खाद की, जैसे कमज़ोर है, ठीक ठीक ठीक, तो थोड़ा सा मात्रा फिर दे दीजिए 5 किलो। अगर आपको आवश्यकता लगता है तो थोड़ा खाद की छिड़काव कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, फिर उसमें कर दीजिए आवश्यकता अनुसार, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका खेत कमजोर है, फसल कमजोर दिख रही है, तो थोड़ा खाद आप डाल सकते हैं। उसके बाद में फिर नंबर आ गया आपका का मतलब, जैसे कभी कभी बारिश हो जाता है तो 2 ही पानी में काम हो जाता है। हाँ, भैया ठीक ठीक, जब कभी कभी बारिश हो जाता है तो ऊपर वाले की दया। हाँ, हाँ, आप जैसे खेत सींच दिए हैं 20 दिन हुआ, 20 दिन के बाद फिर ये सींचने को मांगता है, तो इसको अभी फिर सींचना पड़ेगा। अच्छा, तो आपकी जैसे आपने यहाँ बारिश बहुत कम हुई, नमी टिक नहीं रही है, तो आपकी कम से कम 3 पानी आपको सींचना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर अच्छा, देखा बारिश नहीं हुई तो आपको तीसरा पानी देना है। हाँ, देना। और बारिश हो गई तो कोई जरूरी नहीं। हाँ, तो 2 पानी में आपका काम हो जाएगा। तो तीसरा पानी अगर मान लो हमको देना ही पड़ गया तो कब देंगे तीसरा पानी? आपका जब वो फूटने वाला बाली निकलने वाला अच्छा, हो। अच्छा, जब बाली निकलने लगे। हाँ, तो उससे मतलब 1 हफ्ता पहले आप सींच दीजिए। जब हमको लगे कि बाली आने वाली है, आने वाली तो है, हम सिंचाई कर दें। हाँ, तो उसके पहले मतलब सिंचाई आप करवा दीजिए। कर दें। हाँ, किसान भाई को उसका वो ऊपर का देखना चाहिए जिसको कली बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गेहूं की जब लगे कि आप बाली निकलेगी इसमें से, तब अगर आपको जरूरत लग रही है तो आप एक बार सिंचाई करा दीजिए। हाँ, उसको आप सिंचाई करवा दें। खाद वगैरह नहीं डालना है? नहीं, आप अगर इच्छा हो तो जैसी कांगला आपकी राह बता रहे हैं कि जैसा आपका खेत की एनर्जी बताएगी वैसे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक ठीक। कुछ लोग 2 ही बार में काम हो जाता है, कुछ लोग 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। ठीक ठीक। अगर आपका कमजोर है, गेहूँ छोटा है, 1 ही फुट का है, 1 फुट का दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें यूरिया डाल के, जिंक डाल के, सल्फर डाल के फिर उसमें कांगला कंधार सींचने के बाद फिर डाल दीजिए। ठीक। तब तक वो बाली पूरा निकल आएगी। ठीक। बाली निकल आने के बाद आपका जब वो पूरा झरझर हो जाए, यानी कि दाना थोड़ा
टाइट होने लगे, दाना बैठने लगे उसमें। हाँ, उसको कहते हैं दूध घूंट ले। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, दूध जब उसमें पूरी हाँ, तरीके से भर जाए हाँ, दाने में हाँ, घूंट ले हाँ, तब उसको उसके बाद में फिर सिंचाई करवा दीजिए। अच्छा, एक सिंचाई। अच्छा, उसके बाद फिर एक सिंचाई करा दें। हाँ, फूटने के बाद हाँ, हल्का पानी दौड़ा दीजिए। ठीक, उसके बाद में आपका गेहूँ नंबर एक का होगा, एक बीघे में 4 से 6 क्विंटल तक पैदावार होगी। अच्छा, एक बीघे में 4 से 6 क्विंटल। हाँ हाँ हाँ, ये जो वराइटीज आप बताए हैं। हाँ हाँ, ये वराइटियाँ कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्विंटल, जैसा जिसका खेत रहता है भाई। यहाँ कुछ लोग गोबर की खाद डालते हैं हाँ, उसमें एनर्जी बराबर बनी रहती अच्छा, है। अच्छा, ये कंपोस्ट अगर हमारे पास उपलब्ध है तो इसको जरूर डालिए। तो बुआई के टाइम ही हम डाल देंगे। हाँ हाँ, बुआई की पहले कंपोस्ट खेतों में फैला दें, छिड़वा दें। जब पहले पहले मैंने बताया कि मतलब खेत को जुताई करवा दें, उसमें खाद फिर छीट दीजिए। हाँ, जुताई करने के बाद खाद छीट दीजिए, चाहे पहले छीट दीजिए फिर उसके बाद में भर दीजिए, तब उसमें का गोबर सड़ जाएगा, मिट्टी भी सड़ जाएगी, उसके बाद ताकत बढ़ जाएगी। हाँ, ताकत बढ़ जाएगी। तो वही बता रहे हैं कि मतलब चाहे गोबर की खाद हो या मुर्गी की खाद हो या कोई भी हरी जैविक खाद हो, तो वो बहुत अच्छा काम करती है। तो चौरसिया जी, एचपी चौरसिया जी, जैसे आपने जानकारी तो बहुत अच्छी दी, और तीसरा पानी आप बताए, जब फसल में दाना बढ़ जाए, दाने में दूध अच्छी तरीके से आ जाए, हाँ, तीसरी हाँ, सिंचाई कर हाँ, हाँ, तो उसके बाद हमें और कुछ करना रहेगा, जैसे खाद पानी दवा कि नहीं? नहीं, दवा तो वही बस एक ही बार डालना। अच्छा, दवा एक बार डालना, दवा है एक बार, सिंचाई 2 से 3 बार। हाँ, 2 से 3 बार करनी पड़ती है, और जहाँ का जैसा वो वातावरण रहे, हाँ, जैसे हाँ, रहे, जैसे जहाँ नहर साइड है हाँ, वहाँ नमी रुकती है, वहाँ ज्यादा सिंचाई की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जहाँ पर नदी साइड है हाँ, वहाँ भी नमी रुकती है पानी। अच्छा, किसान भाई को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे तीसरी सिंचाई कर रहे हैं तो गेहूँ बड़ा हो जाता है, और वो टाइम पे हवा भी चलती है। नहीं तो ये मान लीजिए ज्यादा बड़ा हो तो उसको मतलब हवा देखते हुए सींचना चाहिए, हवा ज्यादा तेज ना चलती हो। सावधानियां, अगर किसान भाई हवा का दिन है, हवा तेज चल रही है, तो सिंचाई मत कीजिए। हाँ, सिंचाई उससे क्या होगा कि आपका गेहूं गिर जाएगा, और गेहूं गिर जाएगा दो चार दिन लेट रहा मान लीजिए सिंचाई हो जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हवा थोड़ा शांत होनी चाहिए, हवा रुक जाए तभी सिंचाई करना चाहिए। और अगर छोटा है तो कोई उसमें फर्क नहीं। अच्छा, उसके पेड़ जो छोटे हैं तो कोई फर्क नहीं, एक फुट तक वो गिरेगा नहीं। जो मान लीजिए 1.5 फुट के हो गए हैं तो उसको मतलब उस पे हवा का असर पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, वही जो 1 फीट तक पेड़ हैं, गेहूं के डांट हैं, उस पे 1.5 से 2 फुट जो रहते हैं हाँ, हाँ, उसी में थोड़ा डर रहती है, और 1 फुट के वहाँ उसमें कोई वो नहीं। ठीक, तो उसके बाद में कुछ नहीं करना हम लोग को? नहीं, कुछ नहीं करना है, फिर गेहूं अपने आप हाँ पूरा मौसम के हिसाब से पक जाएगा। पक जाएगा, उसके बाद में आप कटाई करवा उसको कटाई करा लें, थ्रेसिंग करा लें, जो भी चाहें उसको करवा लें। ठीक, तो एचपी चौरसिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए जी, हमारे चैनल पे आए जी जी जी, और हमारे किसान भाइयों को गेहूं के बारे में बहुत अच्छी ढंग से जानकारी दिए। नहीं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाइयों को कुछ आप कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को जो भी कुछ रहता है जानकारी, अच्छी से अच्छी जानकारी हम इनको देते रहते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं और इतना वो पूरा खर्चा लगता है, हर चीज़ लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी उठाएं और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं उसमें। तो किसान भाई, हमारे चैनल के ये मुख्य किसान हैं एचपी चौरसिया जी, हौसला प्रसाद चौरसिया जी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है खेती बाड़ी के बारे में, या गेहूँ की जो अभी खेती बताए इसमें, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, संपर्क कर सकते हैं, नंबर मैं बता दूं। हाँ, जो स्क्रीन पे ये नंबर चल रहा है, दिख रहा है, मतलब दिख रहा है जो नंबर, ये नंबर एचपी चौरसिया जी का ही, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको लेना है। वैसे भी बता दें, 9473-68-44-06। ठीक, तो यही नंबर है जो स्क्रीन पे, वही चौरसिया जी आपको बताए हैं, तो आप ये नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जो भी समस्या रहेगी हम तुरंत रहा फ्री सेवा, इसमें ऐसा नहीं है, हम तो सोचते हैं किसान का कितना मेहनत से हम कमाते हैं और सब करते हैं, कभी कभी लापरवाहियाँ में उनका नुकसान भी हो जाता है, तो जानकारी हम बराबर देते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, जो भी मुझे नॉलेज है। तो चौरसिया जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नई खेती के साथ। ठीक।